सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आप जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल का वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो, सब वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर देगा। हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाए ताकि वीडियो डालते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बिना बकवास के बिना इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको वीडियो बनाने के आपको दो एप्लीकेशन का जो जरूरी पड़ेगा, जो पहला एप्लीकेशन है देखिए ये पिक्स आर्ट का आपको यहाँ से डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। उसका देखिए कैन मास्टर है, कैन मास्टर अगर मेरे वाला नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, जाके मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है। और ये पिक्स आर्ट इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने में तो क्या करना है, आपको यहाँ सबसे पहले पिक्स जो आर्ट है इसको यहाँ से ओपन करना है ठीक है। तो हम पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने में कुछ इस तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन जो इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। ओपन हुआ तो क्या करना, आपको वीडियो को ध्यान से देखना, तभी सबको सारा चीज़ समझ में आएगा ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर एक प्लस का जो आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए नीचे में प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है। तो प्लस आइकन पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करके कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ देखिए एडिट ए फोटो का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करते हैं, आपको भी इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करिए, आपको कुछ गैलरी इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर कोई भी एक इमेज को ले लेना ठीक है। आपके पास जो भी इमेज होगा, नहीं तो इस इमेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम एक इमेज को यहाँ से हम सेलेक्ट करें ठीक है। सेलेक्ट करिएगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए एड को हम यहाँ से कट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको हम बैक आते हैं ठीक है। बैक आ जाइए, बैक आने यहाँ इमेज को सेलेक्ट नहीं करना है ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए बैकग्राउंड यहाँ सेलेक्ट दिख रहा है, यहाँ से बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है ठीक है। बैकग्राउंड पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड जैसे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए इरेज वाला जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है ठीक है दोस्तों। इस पर आपको क्लिक करिए, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर खुल जाएगा। आपके क्या देखिए जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह इरेज हुआ रहा है, इरेज रहेगा ठीक है। उसका थोड़ा सा स्क्रोप करिएगा तो आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएगा दोस्तों तो क्या करना, आपको देखिए एड इमेज का ऑप्शन दिखा देगा ठीक है। एड इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तो एड इमेज पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तों। इस पर आपको क्लिक करिएगा, इस पर जैसे क्लिक करेगा तो इस तरह का यहाँ खुल जाएगा। आपको यहाँ पर एक लड़की का इमेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपको जिसको इमेज को ले लेना है आपको यहाँ से ले लेना है ठीक है दोस्तों। आपको इमेज के जो भी इमेज लगाएगा आपको यहाँ से इमेज को ले लेना है। तो हम यहाँ से मेरे पास एक लड़की का इमेज यहाँ सेलेक्ट करिए, आपको जैसे सेलेक्ट करिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए लड़की का इमेज एड हो गया, आपको यहाँ पर एड हो जाएगा ठीक है। उसका क्या करना है, उसका देखिए हम यहाँ पर फ्रेम लगाएंगे, फ्रेम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया। फ्रेम लगाने का आपको चल जाना, देखिए जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर, इस आइकन पर देखिए इस यहाँ पर आपको क्लिक करना ठीक है। आपको बताते हैं हाईलाइट करके, इस यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना है ठीक है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्या होगा, आपको जो गैलरी बहुत सारा खुल जाएगा ठीक है। तो यहाँ से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाएगा ठीक है। अब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग फाइल में वो चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे पास ये फोटो फ्रेम है, यहाँ से फोटो फ्रेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेगा तो यहाँ पर देखिए नीचे ऐड हो जाएगा ठीक है। यहाँ देखिए दो इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से देखिए ऊपर जो ऐड का ऑप्शन दिखा देगा ठीक है। देखिए ऐड यहाँ पर टू का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड पर आपको क्लिक करना है ठीक है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए आप। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो इमेज है यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें जो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको दोनों इमेज को जैसे सेलेक्ट करिएगा तो आपको क्या करना है, इमेज को सेव करना ठीक है। जैसे सेव करें आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। उसका चलिए अगला स्टेप आपको बताते हैं और क्या करना है ठीक है। तो वीडियो कहीं पर भी कट नहीं करें, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बता रहे हैं। आप जैसे ही इसको कैन मास्टर को ओपन करें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा ठीक है दोस्तों। और मेरे वाला कैन मास्टर नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाकर जो कैन मास्टर को आपको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसका देखिए यहाँ पर क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करो, देखिए 60:9 का जो रेशियो है इसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है दोस्तों। इस पर जैसे क्लिक करके आपको चल जाना डाउनलोडिंग फाइल में। हम जितना सारा मटेरियल हम यूज़ किए हैं सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बना सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड जो इमेज है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके उसको लेयर को बढ़ाना है ठीक है। जितना कि वीडियो बनाएगा उतना लेयर को बढ़ा देना है। हम इसको 30 सेकंड रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 30 सेकंड तक आपको यहाँ से बढ़ा देना है। बढ़ाने में क्या करना है, ओके कर देना है और वीडियो को पूरा फर्स्ट माना है। फर्स्ट माना फिर से लेयर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से आपको मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जो हम यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड वीडियो है इसको ले लेंगे ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड वीडियो को आपको ले लेना है, इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे, आपको रोटेट कर देना है, इसको साइज को बड़ा करना है ठीक है। इस तरह से बड़ा कर दीजिए और सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा। और उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन पर आपको सेट कर देना है। सेट करके ओके कर दीजिए, कुछ इस तरह का जो वीडियो है यहाँ बन जाए ठीक है। इसको क्या करना, थोड़ा सा नीचे से क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ से क्रॉपिंग ऐप पर
क्लिक करिए और नीचे थोड़ा सा इसको क्रॉप करके और स्विच करके यहाँ से फिल्टर को थोड़ा सा अप्लाई कर देना है इस तरह से और ओके कर देना, ओके कर दीजिए और इसी में वीडियो को सिलेक्ट करिए और इसको इस तरफ खींच लेना। ठीक है दोस्तों, आपको भी इस तरह से कर देना एक कर दीजिएगा जो कुछ इस तरह का जो वीडियो है इस तरह से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करना है वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा तभी सारा चीज़ समझ में आएगा। आप क्या करना है यहाँ से देखो, यहाँ से लेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन में क्लिक करना है और जो भी जितना फोटो फ्रेम इसमें अंदर लगाए थे सारा फोटो फ्रेम को यहाँ से ले, हम देखिए चार फोटो फ्रेम लगाए हैं आपको भी ले लेना है। और देखिए सरस्वती पूजा आ रहा है, सरस्वती पूजा वाला देखिए इस सब बहुत सारा इस इमेज मेरे साइट पर अपलोड हो चुका है, अब जाके इस सारा जो इमेज इस सबको डाउनलोड करके आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। ठीक है, अब जाके लगाना चाहते तो आप लगा सकते, नहीं तो आपको कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लड़के वाला जो इमेज हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने क्या करना है आपको, इस पोजिशन पर आपको यहाँ पर बीच में इस तरह से ले आना। ठीक है, जैसे बीच में ले आएगा तो क्या करना आपको, इसको पहले लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए ध्यान से देखिए तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेना है, चाबी का आइकन क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पर दो सेकंड स्क्रोप, एक सेकंड स्क्रोप करना। ठीक है, एक सेकंड स्क्रोप करके यहाँ से प्लस के पर क्लिक कर दिए और एक सेकंड और स्क्रोप कर, यानी कि दो सेकंड में चल जाना है और दो सेकंड में जाने वाले इसको हम खींच कर इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको छोटा कर लेना है और इसको इस पोजिशन पर आपको लगा देना है। लगाने के इस इमेज को पूरा फर्स्ट में आइए, इसको हम इस पोजिशन पर ले जाएंगे, साइज को पूरा छोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह पूरा साइज को छोटा करके और इसको इस तरह से लगा देना, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लग चुका है। अब क्या करना है आपको, चलाना इस पोजीशन पर, फिर से आपको दो सेकंड पा जाना है, फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको जो फोटो फ्रेम जो लगाए थे फोटो फ्रेम को यहाँ से ले लेना है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से इस फोटो फ्रेम का इस जगह से ले लेते हैं, तो आपको भी इस जगह से ले लेना है। और लेने में क्या करना है आपको, देखिए इसे साइज को इतना ही बड़ा रहने देना है, इसको भी बीच पोजिशन यहाँ पर ले लीजिएगा, इसको पहले लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए तो क्या करना है आपको, चाबी का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इसको भी एक सेकंड स्क्रॉप करना है। ठीक है, तो इसको हम एक सेकंड स्क्रॉप करते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, फिर से एक सेकंड स्क्रॉप करना है और फिर से यहाँ देखिए इस इमेज को खींच कर हम इस पोजीशन पर ले आएंगे, तो आपको भी इस पोजीशन पर ले आना है, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इतना पोजीशन सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है इस इमेज को फर्स्ट मानना है और इसको इस पोजीशन पर ले आइएगा, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिएगा, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना, छोटा कर दीजिए, उसका फिर से इस पोजीशन पर आ जाइए और चार सेकंड पर उसका फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से आपको जाना है वही फ्रेम वाला पीएनजी पिक्सआर्ट वाला में, और उसका देखिए हम इस बार हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। आपको भी जितना इमेज बता रहे हैं सेम प्रोसेस करिए तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, और इसको पूरा बीच पोजिशन पर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरा बीच पोजिशन पर लेने के बाद क्या, इसको लेयर को पूरा लास्ट कर देना है, इसको भी सेम प्रोसेस करना जो कि चाबी आइकन पर क्लिक करिएगा दोस्तों, उसका एक सेकंड यहाँ पर स्क्रोप करना। ठीक है, एक सेकंड स्क्रोप करके प्लस पर क्लिक करिए, उसका फिर से आपको एक सेकंड स्क्रोप करना है और यहाँ से क्या करना है इस इमेज को क्लिक करिए, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना, थोड़ा छोटा करके और इसको हम इस जगह पर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको भी इस जगह पर इस तरह से ले आना है और लाने के क्या करना है आपको, देखिए इस पोजीशन पर लगा दीजिए, उसका फिर इमेज को फर्स्ट में आइए और इसको ऊपर करना है, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना। ठीक है, हम जैसे बता रहे हैं सेम प्रोसेस करिएगा तभी वीडियो परफेक्ट तरीके से बन पाएगा, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना, छोटा कर देना, फिर से इस पोजीशन पर आ जाना है, उसका क्या करना है फिर से आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना होगा दोस्तों, और फिर से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से एक फ्रेम को ले लेना। ठीक है, तो जो लास्ट वाला जो फ्रेम है इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, आपको भी यहाँ से ले लेना है, लेने के कारण इसको पूरा बीच पोजिशन पर यहाँ पर इस तरह से लगा देना। ठीक है दोस्तों, पूरा बीच पोजिशन हम इसको लगा दिए हैं, इसको भी पूरा क्या करना है पूरा लास्ट तक कर देना लेयर को। ठीक है, उसका चाबी का आइकन पे क्लिक करना है, इसको भी एक सेकंड स्क्रॉप करिए और प्लस का क्लिक करिए, फिर एक सेकंड स्क्रॉप करिए और फिर से यहाँ क्या करना है इस इमेज को खींच कर इस तरफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी इस तरफ कर लेना है, इसको साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको हम इस तरह से लगा देते, इसको साइज को चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए साइज देखिए इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट करने के फिर से इस इमेज को फर्स्ट में आइए, इसको ऊपर करना है और इसको साइज को पूरा छोटा करना है। ठीक है, जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिएगा तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, इसको पूरा एकदम छोटा कर देना है, जैसे तक कितना बेहतरीन लग रहा है। अब क्या करना है और इस तरह से आपको देखिए इस तरह छोटा कर देना है और छोटा करना फिर से आपको चलना है इस सेकंड इस पोजिशन पर। ठीक है, इस पोजिशन पर आ जाइए, इस पोजीशन पर आने बाद क्या करना है आपको फिर से लेयर क्लिक करना है और यहाँ आपको मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा तो उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ ट्रे वाला जो पीएनजी इमेज है, यानी इसको हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसको ले लेना है और लेने बाद इसको साइज को पूरा छोटा करना है, इसको हम इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको भी इस जगह इस तरह से लगा देना है और लगाने बाद क्या करना है इसको यहाँ पर लगा देना है और इसके अंदर भी एनिमेशन डालना होगा, जो कि जाना आपको एनिमेशन ऑप्शन पर सबसे नीचे जाइए और देखिए इंटर
सलाइड यू वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके इसको साइज को थोड़ा सा और बड़ा करना है, चलिए इतना सही है। और इसको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट के मोबाइल फोन का आइकन देखिए इस पर क्लिक करना है, इसको क्या करें रोटेट कर देंगे, आपको रोटेट कर देना है। और रोटेट करने के इसको हम घिंच कर इस तरफ लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, देख सकते कितना बेहतरीन लग रहा है। अब क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसी पोजीशन पर आना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, ठीक है। अब जो भी लड़की का जो इमेज डाउनलोड किए होंगे उस लड़की का इमेज को आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है दोस्तों। आप लड़की का इमेज का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना इमेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए कि लड़की का इमेज इसके यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, आपको भी सेलेक्ट कर लेना है, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। उसके क्या करना है, आपको जाना है, आपको नीचे जाना है, क्रॉपिंग का क्लिक करिएगा और यहाँ स्विच को ऑन करना है। ऑन करना देखिए यहाँ शिफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ देखिए नीचे दिल वाला जो ऑप्शन दिखाई इसको यहाँ सेलेक्ट करिए, इसको दिल में अपने हिसाब से इसको पूरा एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाइए और बैक आने यहाँ से ओके कर देना, ओके कर दीजिए। फिर लड़के वाला इमेज को सेलेक्ट करिए और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको भी लगाना होगा इस जगह पर, इस तरह से यहाँ पर इसको लगा दीजिएगा। और लगाने में क्या करना है, इसको अंदर एनिमेशन डालना है जो कि चाबी आइकन में जाना है और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपको एक सेकंड स्क्रॉल करना है, प्लस करके फिर क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में आइए, इसको हम घिंच कर लिया है, इसको यहाँ पूरा हम छोटा करके इसको यहाँ पर इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा दीजिएगा और फिर से आपको इसी पोजीशन पर आ जाना है, फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है। हम इसका सेकंड वाला जो लड़की का इमेज है इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से ले लेना है, इसका देना आपको क्रॉपिंग के आइकन पर, ठीक है। क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करिए, स्विच को ऑन करिए, फिर से आपको सिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबसे नीचे जाना है और इस वाला ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आपको क्रॉप करना होगा, ठीक है। जिसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना पूरा बीच में, इस तरह से आपको जो क्रॉप होना चाहिए और इस तरह से आपको क्रॉप कर लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉप कर लेते हैं, चलिए अब सही है, इसको उससे स्क्रॉप कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर देना, ओके कर देना। फिर से इस इमेज पर क्लिक करिए, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। लेयर को पूरा लास्ट तक करने इसको हम नीचे कर लेंगे, आपको भी नीचे कर देना है और इसको इस पोजीशन पर यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। आपको भी इस पोजीशन पर ले आना है और इसके अंदर एनिमेशन डालना होगा जो कि देना आपको ओवर एनिमेशन में। और सबसे नीचे आएगा तो यहाँ पर एक रिंग का ऑप्शन दिखा दे, ठीक है। तो रिंग वाला ऑप्शन आपको इस तरह से क्लिक करना है, इसको साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना सही है, इतना छोटा कर देना है। छोटा करने के कारण इसको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक कर इसको सेंड टू बैक कर देना है और बैक करने के कारण फिर से बैक आना है। फिर से आपको जाना इन एनिमेशन में और सबसे नीचे जाएगा तो इस वाला एनिमेशन देखिए इंटर स्लाइड यू वाला ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। उसका देखिए ट्रे वाला जो पीएनजी में है इसको हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरफ घिंच लेंगे, ठीक है। इस तरफ घिंच के यहाँ से ओके कर देना है। अब क्या करना है, वीडियो को इसी पोजिशन पर रहना है, उसका लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है। फिर से आपको चल जाना आपको डाउनलोडिंग फाइल में, उसको देखिए मेरे पास लव वाला जो पीएनजी में है इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ करेंगे वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना है। इसको क्या करेंगे, इसको साइज को पूरा छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे और इसको हम इस पोजिशन पर यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने में क्या करना है, आपको ओवर एनिमेशन जाना है, फ्लोटिंग वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। इसको साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए इतना सही है। और इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेते हैं, कहने से क्या करना है, आपको यहाँ से वीडियो को पूरा फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ देखिए आपको इस नेचुरल फ्लावर पीएनजी में इसको ले लेना है, लेना है इसको लेयर को पूरा नीचा कर लेना है, इसको लेयर को पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। पूरा इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ से बढ़ा देना है, उसका वीडियो को फर्स्ट में आना है, उसका ऑडियो का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। आपको चल जाना है एल्बम में और यहाँ से मेरे पास ऑडियो है, यहाँ से ऑडियो को हम ले लेते हैं और यहाँ से प्लस क्लिक कर देना है, क्लिक करके आपको ऑडियो नीचे ऐड हो जाएगा। और ऑडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके यहाँ से वीडियो को हम पहले करके आप दिखाते हैं से वीडियो बनाया है, वीडियो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। जो ये जो वीडियो है उसके यहाँ से क्या म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं और यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो लग रहा है। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे यहाँ पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि ऐसे वीडियो में डालते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपके लिए इतना ही मिलता है अगले वीडियो में, अगले टेटर साहब धन्यवाद।